नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रुखसार आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ कौन बनेगा आईएएस में। और आज का हमारा एपिसोड है किड्स स्पेशल। तो इट्स किड्स स्पेशल एपिसोड में जो आज के हमारे कंटेस्टेंट है वो है मास्टर रुवाद। प्लीज वेलकम मास्टर रुवाद। हेलो रुवाद, हाउ आर यू? फाइन। कैसा लग रहा है आपको कौन बनेगा आईएएस में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो आप रेडी है खेलने के लिए कौन बनेगा आईएएस? ऑलराइट रुवाद, प्लीज हैव अ सीट। तो रुवाद, अब हम आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा आईएएस। खेलने से पहले मैं आपको गेम्स के रूल्स बता दूं कि इसमें होंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और होंगे 3 पड़ाव, 5th क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे और 10th क्वेश्चन पे। तो हर पड़ाव पे आपको कोई ना कोई प्राइज दिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपके पास होंगी 3 लाइफ लाइन्स, फ्लिप द क्वेश्चन, डबल डिप और एक्सपर्ट एडवाइस। फ्लिप द क्वेश्चन में आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, डबल डिप में आप एक ही क्वेश्चन के दो बार आंसर दे सकते हो, और एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे एक्सपर्ट आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप गेम के रूल समझ गए हैं, तो हम स्टार्ट करें गेम। ओके रुवाद, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? एंड योर ऑप्शंस आर ए अमरावती, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद एंड डी चेन्नई। हैदराबाद। सी हैदराबाद, आर यू श्योर? Yes. Okay, कंप्यूटर जैसे हैदराबाद में लॉक लगा है, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं। Yes, this is right. आपको कैसे पता हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना का? क्योंकि पहले नहीं, हैदराबाद का कैपिटल नहीं, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद था। फिर तेलंगाना के लोग बोल रहे थे कि ये तेलंगाना बनाओ, ये तेलंगाना बनाओ, फिर बन गया। हाँ, फिर चेंज कर दिया आंध्र प्रदेश का कैपिटल और तेलंगाना हैदराबाद बन गया। तो अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। और तेलंगाना का? हैदराबाद। ओके, वेरी गुड रुवाद। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन रुवाद, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द व्हील एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग इज कॉल्ड। हमारे फ्लैग के सेंटर में जो व्हील है उसे क्या बोलते हैं? And the options are A. हर्ष चक्र, B. अशोक चक्र, C. वर्धमान चक्र और D. बुद्ध चक्र। अशोका चक्र। B. अशोका चक्र। Okay, computer जी, भी अशोका चक्र पे लॉक लगाया, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं। This is the answer. कितने कलर्स होते हैं हमारे फ्लैग में? चार। कौन कौन से? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। ब्लू कहाँ होता है? मिडिल में, अशोक चक्र में, राइट? ओके, वेरी वेल रुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है आप? हाँ। ओके रुवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज, क्रिश्चियंस की होली बुक को क्या बोलते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए बाइबल, बी तोरा, सी अवस्था और डी अगामा। बाइबल। ए बाइबल, पक्का? पक्का। लॉक कर दें? हाँ। ओके, कंप्यूटर जी, ए बाइबल पे लॉक लगा है, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं। एंड दिस इज राइट आंसर। पढ़ा था इसके बारे में भी आपने? कल रात में पढ़ रहा था और सवाल आया था, तो अच्छा। मैं सोचा बाइबल है तो बाइबल लिख दिया। ओके ओके, आपको क्या बात है। होगी रुवाद, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चाइना। लाइफलाइन। लाइफलाइन यूज करेंगे? हाँ। ओके, टिक टिक जी प्लीज रुक जाए, रुवाद लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे आप? Flip the question, double dip, expert advice. Expert advice. Expert advice use करें। Okay, रुवाद expert advice use करना चाहते हैं। Okay, computer जी, तो हमें हमारे expert की तरफ लेके चलिए। Okay, तो आज के हमारे expert है बिल्किस मैम। नमस्ते बिल्किस मैम, हम आपका स्वागत करते हैं कौन बनेगा आईएएस में। यहाँ हमारे एक कंटेस्टेंट है रुवाद, जो एक क्वेश्चन पे अटक गए हैं, तो उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस मांगी है। Okay. तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, आपको उसका आंसर देना है। ओके ओके,
So the question is, which is the most populated country in the world? And the options are A, India, B, USA, C, Australia, and D, China. Okay. So the most populated country in the world, जो country का population सबसे ज़्यादा है, वो है China. India second पे आता है, और India overtake कर लेगा China को by 2028. So by 2028 इसका answer शायद बदल जाए, पर फिलहाल के लिए इसका answer है China. Alright, Ruwaad, तो क्या आप expert के साथ जाना चाहेंगे? हाँ. तो ऑप्शन डी चाइना पे लॉक लगाया जाए. हाँ. ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी चाइना पे लॉक लगाया, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं. क्या हुआ, आप कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में? थोड़ा कंफ्यूज था, मेरे को लगा इंडिया था, पर मेरे को पता चल गया चाइना था. अच्छा, एक्सपर्ट ने आपको बताया चाइना है, तो फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया. ओके रुबा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी है रुवाद? ओके, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रुवाद, ये रहा. व्हिच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ए व्हेल, बी रिवर डॉल्फिन, सी टाइगर, और डी रिवर शार्क. लाइफलाइन लेंगे रुवाद, प्लीज टिक टिक रुक जाए. कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप रुवाद? एक्सपर्ट एडवाइस आपकी जा चुकी है, अब आपके पास है फ्लिप द क्वेश्चन और डबल टिक. डबल टिक लेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, डबल टिक यूज करना चाहेंगे रुवाद, तो आप पहला आंसर कौन सा चूज करेंगे? दो चांस मिलेंगे इसमें आपको आंसर देने के, अगर पहला गलत भी हो जाता है. ए वेल. ओके कंप्यूटर जी, ए वेल पे लॉक लगा, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर रुवाद, अब आपके पास सिर्फ एक चांस है. सोच समझ के. रिवर डॉल्फिन. ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी रिवर डॉल्फिन पे लॉक लगा, हमें बताइए सही है या नहीं. बिल्कुल सही उत्तर. गेस किया आपने रुवाद, ये आपको पता था? गेस किया. ओके वेरी गुड गेस. ऑलराइट, तो रुवाद इसी के साथ आपने पहला पड़ाव पार कर लिया और आपको मिलता है ए शाह की तरफ से एक एटलस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं रुवाद, आप रेडी हैं? हाँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रुवाद, ये रहा. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ए ALU, बी RAM, सी CPU, और डी ROM. CPU. CPU? आर यू श्योर? यस. लॉक कर दें? हाँ. ओके कंप्यूटर जी, सी CPU पे ताला लगाया, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं. एंड दिस इज राइट. कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं आप? नहीं, पर मेरे स्कूल में सीपीयू है, तो टीचर ने एक दिन बताई थी कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं. हाँ. ओके, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? हाँ. क्या क्या कर लेते हैं आप कंप्यूटर पे? और टीचर बोलती है गेम खेलने को, तो गेम खेल लेते हैं आप कंप्यूटर पे. ओके, और कुछ टाइप वगैरह कर लेते हैं? हाँ, टाइप भी करते हो. और क्या करते हो? और मूवीज देखते हो. मैं देखा हूँ, दो तीन बार लगता है. अच्छा, ओके, वेरी गुड रुवाद. ऑलराइट रुवाद, तो अब रेडी आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? हाँ. तो सातवां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. व्हिच स्पेसिफिक डिसेबिलिटी डज द फिल्म तारे जमीन पर हाइलाइट्स? तारे जमीन पर मूवी में कौन सी डिसेबिलिटी के बारे में बताया है? ओके, देखी आपने तारे जमीन पर मूवी? हाँ देखी. देखी है? ओके, फिर तो आपको इसका आंसर पता होगा. And the options are A. Dyslexia, B. Alzheimer's, C. Dementia, or D. Parkinson's. Dyslexia. A. Dyslexia? हाँ. Are you sure? हाँ. Lock करते हैं? हाँ. Okay, रुवाद. A. Dyslexia, आप कंप्यूटर जी ताला लगाए, बताइए रुवाद सही है या नहीं. This is the right answer. And रुवाद इसी के साथ आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और आपको मिलता है ए शाह की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर.
जमीन पर कितनी बार देखी है आपने रुवाद? शायद दो दो बार। ओके, तो क्या होता है उस मूवी में? वो एक बच्चा होता है, उसे कुछ आता नहीं होता है, उसे कुछ नहीं आता है। एक बार टेस्ट आया था उसका, तो उसने 3 लिख दिया। ओके, हाँ। उसे नंबर्स भी समझ में नहीं आते हैं। हाँ। उसे सब जगह एनिमेशंस दिखता है ऐसा। हाँ। वो एनिमेशन भी देखा होगा आपने जिसमें स्पेस का बताते हैं। हाँ, कैसे वो अर्थ प्लूटो को बर्बाद कर दिए और फिर 3 हो गया। उस बीमारी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, ऑलराइट, बहुत अच्छा खेल रहे रुवाद आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप। ऑलराइट, 8th क्वेश्चन रुवाद आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। दिस फ्लैग बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? आपको एक फ्लैग दिखाया जाएगा, फ्लैग का इमेज, वो उसको देख के आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। ठीक है, कंप्यूटर जी फ्लैग दिखाया जाए। ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड में थोड़ा फंस गया हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ। ओके, तो आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे? हाँ। ओके, टिक टिक कीजिए, रुक जाइए। रुवाद लाइफलाइन लेना चाहते हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में फंस गए। ओके, आपकी आखिरी लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन यूज करना चाहेंगे आप? हाँ। ऑलराइट, कंप्यूटर जी क्वेश्चन बदल दिया जाए। सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बोन, बी ब्रेन, सी टूथ और डी नेल्स। टूथ। टूथ? आर यू श्योर? हाँ। पक्का इसे लॉक कर दे? हाँ। ओके कंप्यूटर जी, सी टूथ को लॉक कर दीजिए, हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं। बोन क्यों नहीं बोला? बोन भी तो हार्ड होती है। हाँ, बोन तो टूथ उससे भी ज़्यादा हार्ड है। हाँ, है ना? कि टूथ एनामल बोलते हैं जिसको, which is the hardest substance in the human body। पढ़ा होगा ये आपने साइंस। हाँ, है ना? Alright, Ruwaad, let's move on to the next question। And the next question is your on your screen, which among the following is not a blood group for human? इनमें से कौन सा एक human blood group नहीं होता है? ओके, एंड योर ऑप्शंस आर ए ए पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव, सी बी नेगेटिव और डी ए बी पॉजिटिव। बी, पी प्लस। पी पॉजिटिव? आर यू श्योर? हाँ। पी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं होता है? नहीं होता है। ओके कंप्यूटर जी, बी पी पॉजिटिव का लॉक लगा, हमें पता है सही है या नहीं। एंड दिस इज द राइट आंसर। और कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं रुवाद? मैंने अभी सी पर देखा था, बी माइनस, पर फिर प्लस हो गया। बी पॉजिटिव भी होता है ना? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, राइट? मेरा ओ पॉजिटिव होता है। मेरा ओ पॉजिटिव। आपका ओ पॉजिटिव है? हाँ। मेरा भी ओ पॉजिटिव है। ओके रुवाद, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रुवाद आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। Direct election at the national level are held in India to choose members of. India में जो direct election होते हैं national level के, तो वो कहाँ के members choose करने के लिए होते हैं? Okay, and your options are A राज्यसभा, B विधानसभा, C लोकसभा या D पार्लियामेंट। लोकसभा। लोकसभा? हाँ। Are you sure? हाँ। Lock कर दे लोकसभा को? हाँ। Okay, computer जी, C लोकसभा पे ताला लगा है और हमें बताइए सही उत्तर है या नहीं। पड़ाव भी पार कर लिया है और आपको दिया जाता है ए शाह की तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो इसी के साथ रुवाद आपने जीत लिया है ये गेम शो जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो वक्त आ गया रुवाद आपसे विदा लेने का।
चाहते हैं या हॉट सीट पर, तो आप एशा यंग आईएएस की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और पा सकते हैं मौका यहाँ हॉट सीट पर आकर खेलने का कौन बनेगा आई। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में केबीआई के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, सायोनारा।